है कि प्रभुपाद अपने स्वास्थ्य के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई स्थान ऐसा हो जहाँ स्वास्थ्य का सुधार हो तो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब जो एक नेता है, जब प्रभुपाद से कहते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, मुझे आशा है कि आप ठीक हो जाएंगे, तो प्रभुपाद ने हंस करके हंसे और कहा पुरानी मशीन है, जितना सुधार हो उतना ही बिगड़ेगी। तो मतलब हमें दोनों पक्षों में मतलब रहना है कि मतलब हमेशा निराश भी रहें, निराश ही रहते चित्त आत्मा, तो व्यक्ति जो है हमें निराश होना चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार इसी प्रकार का है, कष्टों का है, मृत्यु का स्थान है, भय का स्थान है, संकटों का स्थान है, लेकिन अपना जो प्रयास है वो फिर भी है। तो प्रभुपाद के अंदर दोनों बातें हैं कि वो जो है आशा नहीं करते हैं कि शरीर जो है ठीक होगा, लेकिन तो भी अपना कर्तव्य है, अपना प्रयास है, वो भी चलना चाहिए। अगर अपना कर्तव्य अपना प्रयास नहीं करते तो फिर हमारे ऊपर दोष लगता है कि हमने अपने शरीर को खराब किया। तो इसलिए प्रभुपाद में जो है दोनों बातें हैं कि प्रभुपाद चाहते हैं कि शरीर की रक्षा हो, तो अपने शरीर की रक्षा के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है आशा भी नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, तो आशा ही बहुत बड़ा दुख है ना। तो हर व्यक्ति जो है कोई काम करता है तो बड़ी आशा के साथ करता है कि इसमें जो है ज़रूर मुझे ये होगा, मुझे इतना लाभ होगा, इतना अच्छा परिणाम होगा, तो अच्छे परिणाम की आशा करता है ना। लेकिन प्रभुपाद हंस करके हंसते भी हैं और कहते पुरानी मशीन है ना। तो इसका मतलब क्या है कि तत्व से जो है प्रभुपाद जानते हैं कि ये शरीर जो है कष्ट का है, दुखालय मसासुतम, तो ये जो गीता का सिद्धांत ये है, लेकिन साथ साथ अपना जो कर्तव्य है उसकी भी जो है मतलब उसके अनुसार भी कार्य कर रहे हैं ना। तो प्रभुपाद जो है मतलब वृद्धावस्था का जो शरीर है तो जानते हैं इस वृद्धावस्था के शरीर में, और सचमुच ऐसे ही है कि जो वृद्धावस्था में शरीर होता है तो कोई भी बीमारी आ जाए तो फिर जो है वो जाती नहीं है। जैसे कि किसी गड्ढे में पानी अगर आ जाता है तो फिर वो रुका रहता है, वो निकलता नहीं है। तो जो बुढ़ापा है गड्ढे की तरह है ना, जो जवानी है वो समझो कि मतलब जैसे टीला है, तो टीले में पानी गिरेगा तो नीचे चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं टीले में। तो जवानी जो है टीला है और बुढ़ापा जो है गड्ढा है, जो भी बीमारी आए तो फिर वो जाती नहीं है, आती है लेकिन जाती नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं पुरानी मशीन है, जितना सुधारा जाए उतना ही बिगड़ती जाएगी, लेकिन फिर मेरा काम कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। प्रभुपाद के मेरा काम फिर भी रुकता नहीं, अब खराब हो रही मशीन, शरीर खराब हो रहा है, मेरा काम रुकता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं मेरा मुख्य कार्य पुस्तकें लिखना है, वो चलता जा रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं चलता जा रहा है, और कितना जो है मतलब उनकी स्थिरता रही कि जिस समय शरीर में उनका खाना और सोना बंद हो गया, खाना भी बंद हो गया सोना भी बंद हो गया, तो भी वो कार्य चलता रहा है ना। और वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, शरीर में अब खून और मांस बिल्कुल समाप्त हो गया है, एक बूंद खून नहीं है उनके शरीर में और मांस भी नहीं रहा, केवल हड्डी और चमड़ी, लेकिन तो भी वो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जो है भागवत के तात्पर्य बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो है मतलब है स्थिरता कि मतलब कृष्ण की सेवा में स्थिरता है ना। तो वृद्धावस्था में क्या होता है कि वृद्धावस्था में कोई काम नहीं होता है, नया काम कुछ नहीं होता है, जो जीवन भर आप काम करते रहे तो वही जो है वृद्धावस्था में अभ्यास के कारण होता है, अभ्यास है ना, ये नया काम आप कुछ नहीं कर सकते है ना। तो जीवन भर आपने कैसा अभ्यास किया है, अगर भौतिकतावादी विचारों में आपने पूरा जीवन लगा दिया है तो वृद्धावस्था में वही चलता रहेगा। जवानी में आपने इंद्रिय तृप्ति में पूरा समय लगा दिया है तो वृद्धावस्था में इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते, लेकिन चिंता उसी की ही, इंद्रिय तृप्ति करने की चिंता रहेगी, तो वृद्धावस्था में चिंता आ सकता है, तो चिंता उसी तरह की चिंता। लेकिन प्रभुपाद ने चिंता की जीवन भर कृष्ण की सेवा और साहित्य लिखना, उनके गुरु महाराज ने कहा कि साहित्य लिखो, पुस्तकें लिखो,
तो वो जो उनका जो विचार था वो जीवन भर उसी में ही उनका विचार बना रहा। तो वृद्धावस्था में उनका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, वो ना खा पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी किताब जो है लिख रहे हैं और कैसे डिक्टाफोन पर वो जो है बोलते जा रहे हैं। तो ये है कि अभ्यास योग युक्त है ना चेतसा नान्य गामिना। इस अंतकाल में आप जो है भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं? अभ्यास योग, आप अभ्यास करिए। तो अगर आप अभ्यास करते हैं हमेशा हर स्थिति में आप कृष्ण का स्मरण करते हैं, अगर आपने अभ्यास किया है तो अभ्यास के बल पर आप जो है अंतकाल में कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, और नहीं तो ये अंतकाल में नहीं हो पाएगा कि भाई अरे क्या है कुछ नहीं है, हरे कृष्ण ही तो बोलना है, हरे कृष्ण बोल दें, सबसे आसान तो यही है हरे कृष्ण बोलना है। जीवन भर अपना मस्ती करो, इंद्रिय तृप्ति करो, और अंतकाल में तो कुछ भी नहीं, हरे कृष्ण वो नहीं निकलेगा, हरे कृष्णा नहीं निकलेगा। और कान में अगर मशीन भी लगा दें हैं, वो ईयरफोन लगा दें तो ये हरे कृष्णा बोलें तो कान इतना बंद हो जाएगा कि वो आवाज़ भी नहीं जाएगी, हरे कृष्णा की आवाज़ भी नहीं जाएगी कान के अंदर, तो कुछ भी नहीं होगा। कि आप किसी की रक्षा करना चाहते हो, अगर जीवन भर इंद्रिय तृप्ति किए हैं और विमुख रहा है कृष्ण से, तो अंतकाल में जो है कान के अंदर भी आवाज़ नहीं जा सकती, वो सुन ही नहीं पाएगा, ना बोल पाएगा ना सुन पाएगा। इसलिए जीवन भर हमें अभ्यास करना है। तो ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मंगल आरती आ रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो ये सब जो कार्य हैं हमारे लिए जो है बहुत आवश्यक हैं। ये नहीं सोचना कि ये तो बेकार के लाग, ये हरे कृष्णा वाले बेकार के लोग हैं, ये तो बस इतना लगे रहते हैं। अरे मौज मस्ती करो, बाद में तो हरे कृष्णा ही करना है। जब शरीर बेकार हो जाएगा तो हरे कृष्णा का जाप करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वृद्धावस्था में भी हरे कृष्ण का जाप नहीं होगा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय।